दरियावगंज गांव में मैं उपस्थित हूं और ये आपको बता दूं एक मामला सामने आया है। ये इनके पति हैं, गए हैं सूडान में काम करने के लिए, गए हैं रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। फिलहाल वो वहां पे गए हैं और फंसे हुए हैं और वहां पे आ नहीं पा रहे हैं घर पे, और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। काफ़ी मीडिया वाले आते हैं, उनके सामने बयान देती हैं, रोती हैं और कहती हैं शासन से और प्रशासन से कि हमारे पति को, हमारे बेटे को घर वापस ला दिया जाए। और फिलहाल अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 4 से 5 दिन का मामला है, बीत गया है, अभी तक इनका कोई मदद नहीं हुआ है। इनसे पिछले दिन इनसे बात हुआ था उनसे, तो ये कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द वापस घर पर आ जाएंगे। फिलहाल अभी तक इनसे कोई बात नहीं हुआ है क्योंकि वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अब हम जानने का प्रयास इनसे करेंगे कि आखिर इनसे बात हुई और इनको क्या सांत्वना दी है और कब तक वो घर पे आएंगे और किस कारण वो गए थे। आखिर इंडिया में भी काफी काम है, इंडिया में भी कर सकते हैं, तो बाहर देश उन्हें क्यों जाना पड़ा और किसके माध्यम से गए हैं, वो किस कंपनी के काम से गए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुनीता सिंह। सुनीता सिंह आपके पति हैं जी। कमाने के लिए इंडिया में रह सकते हैं तो बाहर क्यों गए थे? ऐसा है कि वो प्लांट इंचार्ज हैं जी, उनको जहाँ जहाँ से ऑफर आता था, उनको इरेक्शन करना होता था, वहाँ वहाँ जाते थे। इंडिया में भी मिलता है, इंडिया में भी जाते हैं, बाहर मिलता है, बाहर जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं। हाँ, 10-11 साल से वो बाहर ही ज़्यादा करके रहते हैं, इंडिया में कम रहते हैं। इंडिया में कम रहते हैं जी। हाँ, पिछले आपकी उनसे बात कब हुई थी लास्ट टाइम? बात हुई थी कल, हुई थी 2 मिनट के लिए सिर्फ, हुई थी 2 मिनट के लिए जी। इसके पहले और ज्यादा बातें होती थी? हाँ, इसके पहले कहीं भी रहते थे 2-2 घंटा, 3 दिन, दिन भर में सारा दिन समझ लीजिए उनके हाथ में मोबाइल ही रहता था। तो आपकी जो 2 मिनट बात हुई थी, उस बात उसमें क्या बात हुई, क्या सांत्वना? हमको सांत्वना तो यही दी है कि चिंता मत करो तुम लोग, हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मोदी योगी जी का जो सहयोग है हम तक पहुँच गया है और हम जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो। हम ही नहीं, 44 भाइयाँ हैं यहाँ और सब आएंगे तो हम भी उसी में आ जाएंगे। इंडिया के 44 लोग उनके साथ में बजे हुए हैं और वो लोग भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, योगी और मोदी जी से। फिलहाल जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा उनके भी परिवार वालों के साथ हो रहा होगा। तो आपके पति वापस घर आ जाते हैं और यही आप लोगों के न्याय यही चाहती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से योगी और मोदी जी को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहूँगी जो भी करेंगे मोदी योगी जी करेंगे और कोई नहीं करेगा। वहाँ के लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग को करना होता दंगा प्रसाद मचाते हैं। नहीं, जो भी करेंगे योगी मोदी करेंगे, वो इंडिया में लाएंगे तो वही लोग लाएंगे। क्योंकि कल मैं गई थी DM ऑफिस, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, योगी जी को भी दी, मोदी जी को भी दी, आप लोग के द्वारा सूचित हो ही रहा है, हाँ खबर जा ही रही उन लोग के पास। अब जो करेंगे वही लोग करेंगे। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जितने भाई हैं सब गांव आ जाए, मेरा पति भी आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये एक ऐसी महिला है जो कह रही है अपने पति के लिए नहीं, सिर्फ जो 44 लोग वहां पे बजे हुए हैं उन सब के लिए कह रही हैं कि हमारे पति के साथ साथ वो भी वापस घर पे आ जाएं। फिलहाल ऐसी महिला और ऐसा कोई नहीं होता है जो चाहता है कि सिर्फ हमारा ही पति और हमारा ही बेटा, हमारा ही बच्चा सिर्फ घर पे आ जाएं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल उनकी माता जी हैं, रो रही हैं और उनकी पत्नी भी रो रही हैं। आप प्रशासन के पास जाती हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनके पति से कल इनकी 2 मिनट बात हुई थी और कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। अब फिलहाल मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जो एयरपोर्ट था वो सब बम बारूद में सब उड़ा दिया गया है, भ्रष्ट कर दिया गया है, तो आखिर वापस घर आएंगे कैसे? ये शायद इन्हें सांत्वना दिया जा रहा था या वैसे परिवार को गुमराह कर रहे थे या कह रहे थे कि हमारा परिवार रोएगा ही नहीं, इस तरीके से इन्हें शायद कुछ सांत्वना दे रहे थे, यही कारण था शायद। हाँ, यही कारण था कि एयरपोर्ट तो जला ही दिए हैं जी, जहाज भी जला दिए हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं, बम्बई दिल्ली तो है नहीं, चलो बस पकड़े, ऑटो पकड़े, चले आए। वहाँ तो अपने बस उनके बस की भी नहीं है क्योंकि पासपोर्ट भी उनका जो जमा हो गया है। अब जो करेंगे भैया मोदी योगी जी करेंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, जहाज से लाएंगे कि वैसे लाएंगे, हमें कुछ खुद ही नहीं पता है तो हम कैसे बताएं जी। जहां आप हैं वहीं मीडिया है, मीडिया के माध्यम से ताकि जो तमाम लोग देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के जो भी कहने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के जो शासन व्यवस्था है, मैं उनसे न्याय कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस पे जांच करें और जांच करें इनके पति को और वहां पे जो 44 लोग और बचे हुए हैं उनके खिलाफ जो है कि उचित कार्रवाई करें और उनको जल्द से जल्द इंडिया लाने का योगदान प्रकट करें। फिलहाल उनकी माता जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो भी अपने बच्चे के लिए क्या चाहती हैं।
माता जी अच्छा ये बताइए आपकी बात उनसे होती थी? नहीं सर। आपकी बात नहीं हुई? नहीं। जब घर से जा रहे थे तो आपको कुछ बोले थे? बोले थे कमाए जाते थे, गोड़ पड़ते थे, पैसा देते थे। अच्छा, जाते थे हमारे बेटे। आपके सबसे छोटे बेटे हैं? हाँ। सबसे छोटे हैं? हाँ। आपके प्यार और दुलार से बड़े पले हैं? और इसीलिए आप रो रहे हैं कि आपका बच्चा घर पे आ जाए? बस भैया, योगी जी और मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सरकार लोग हमारे बच्चों को हमारे गोद में कर दे। सुनना, गोद में कर दे भैया बस। आप फिलहाल ये उनकी माता जी उनसे बात किए और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो राकेश जी है वहाँ पे सूडान में बजे हुए हैं, ये उनके बेटे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि मैं जब से आया हूँ ये देख रहा हूँ इनके कुछ उछल कूदे हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगी। अच्छा ये बताइए, आप उनके बेटे हैं जी? आपके बड़े बेटे हैं या कितने? मैं बड़ा हूँ उनका। आप बड़े बेटे हैं? आपके पिताजी से बात हुई थी आपकी? क्या बात हुई थी? बात हुई है, आ रहे हैं इंडियन वाले, वो क्या नाम है उसका, मोदी ने ऑपरेशन लागू किया है ना, वो कावेरी, तो उसके माध्यम से सब इंडियन वाले आ रहे हैं एक एक लोग। अच्छा ये कैसे आपको पता चला कि इंडिया के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से आपके पिताजी आ रहे हैं? अरे यार नमामि गंगे, वो क्या नाम है, एक बार वहाँ क्या यूक्रेन में हुआ था ना, तो गंगा ऑपरेशन शुरू करके लाए थे लोग को एयरलिफ्ट करके, अब वही फिर कर रहे हैं। अच्छा वही कर रहे हैं। अब ये इसका नाम दिए हैं कावेरी, मिशन कावेरी, उसके यहाँ उससे अंतर्गत पानी वाले जहाज से लोग आएंगे दुबई के जिद्दा में सऊदी अरब, फिर वहाँ से विमान भारतीय है वायुसेना का, वहाँ से फिर दिल्ली आएंगे। वहाँ से दिल्ली? हाँ। आने के बाद जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं कि अब वापस नहीं जाने दिए? नहीं, अब जाएंगे दूसरी कंट्री, वो इंजीनियर है, नया नया प्लांट बैठाने जाते हैं 2-3 महीने के लिए। अब यहाँ 3 महीने के लिए गए थे प्लांट नया आरक्षण करने, तो वहाँ तब तक 1 महीने जाते जाते यहाँ वो सिस्टम गृह युद्ध हो गया, तो वहाँ क्या करें, वहाँ नहीं मतलब ये है कि जाएंगे पर आउट ऑफ दूसरी कंट्री। हाँ आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, अच्छे कंट्री जाएंगे। हाँ इसके पहले भी बहुत वो भी जब यहाँ से गए थे परिवार से, तो ये सोच के गए थे कि हम ये वहाँ जा रहे हैं सूडान, वहाँ भी ऐसा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, हम अच्छे से रहेंगे, बच्चों के लिए कमाएंगे और खाएंगे। पहले अफ्रीकन कंट्री 56 देश है, कितना देश है, 57 देश है, उसमें लगभग सभी देशों में 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 1 महीना रहकर आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है सूडान में जो गृह युद्ध हो गया। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इंसान के साथ अगर जो कुछ भी होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है। हाँ ये आपको शायद पता होगा। वो तो भाई पहले स्टार्ट होगा तभी, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा। हाँ तो पहले क्या कहना चाहते हैं आपके पिताजी? पिताजी हमारे आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ कब तक आ जाएंगे? अब देखो मंडे ट्यूसडे तक आ जाएंगे। फिलहाल इनका कहना है कि मंडे और ट्यूसडे तक इनके पिताजी घर पे आ जाएंगे। फिलहाल आगे की रिपोर्ट जो भी होगी वो भी नया अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक हम सवाल इनकी पत्नी से हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपके बेटे कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं, तो आपकी बात ऐसी कुछ हुई थी उनसे कि हम आने वो वाले तो कह ही रहे हैं कि चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा, 1 हफ्ता लगेंगे, संडे मंडे तक आ जाऊंगा, कहने के लिए तो कह ही रहे हैं। अब वो आ जाए हम लोग के पास, बस हम लोग यही चाहते हैं बस। आपको मैं बता दूं, इसके पहले एक मामला आया था मछली शहर में, जो कि मछली शहर में कम से कम 14 से 15 लोग पाकिस्तान में गए हैं, गए थे कमाने के लिए पर बेचारे वहाँ पे जाके बस गए। ये आपको बताया तो 2 साल का मामला हो गया, अभी तक इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है। योगी और मोदी के पास तमाम लोग एप्लीकेशन डाले हैं प्रशासन से और शासन से, न्याय की गुहार लगा रही हैं, फिर भी अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसा ना हो इनके पति के साथ, वो सही सलामत घर पे आ जाए और अपने परिवार में बाल बच्चों के साथ खुश रहे। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद जय भारत।